ये नज़ारा देखिए, इन लंबी लाइनों को देखिए। ये नामांकन का पहला दिन था, ये भीड़, ये धक्का मुक्की, ऐसे में कहाँ कोरोना और कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ धरा का धरा रह गया। सारे नियम कायदे कानून ताक पर चले गए। जनपद कन्नौज के उमरदा ब्लॉक परिसर में नामांकन प्रक्रिया के दौरान ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम सभा सदस्य के उम्मीदवारों व उनके प्रस्तावकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे ब्लॉक के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। इससे यातायात प्रभावित होने लगा। ये नज़ारा जब डीएम एसपी ने देखा तो अफसरों ने सभी उम्मीदवारों को ब्लॉक परिसर में ही लाइनें लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद ब्लॉक परिसर में भी उम्मीदवारों की भारी जमावड़े के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ती रही। अधिकांश मास्क भी नहीं लगाए थे। भीड़ के कारण अधिकांश पटलों पर धक्का मुक्की होती रही। कई बार पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। उमरदा विकास खंड में 90 ग्राम प्रधान, 1048 ग्राम सभा सदस्य व 145 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह 8 बजे से नामांकन होना था। इसके लिए सुबह 7:30 के करीब ही उम्मीदवारों की भीड़ ब्लॉक गेट के सामने जमा हो गई। भीड़ को देख पुलिस ने तिरवा कन्नौज मार्ग पर ही उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगवा दी। इसी दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा व पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने लंबी लंबी लाइनों को देख नाराजगी जताई। मौजूद पुलिस अफसरों से कहा कि सभी उम्मीदवारों को ब्लॉक परिसर में ही प्रवेश देकर वहीं पर लाइनें लगवाएं। इस पर उम्मीदवारों की भीड़ अपने संबंधित पटलों के सामने पहुंचकर लाइन लगाने लगी। नामांकन जमा करने के दौरान भारी भीड़ के चलते कई बार कई पटलों पर धक्का मुक्की की, जिस पर पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल किया द पंचौरा न्यूज के लिए उमरदा कन्नौज से अनुज कुमार की रिपोर्ट।